देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से आईसीएमआर 11 मई को नई गाइडलाइंस लेके आया कि मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट कोविड के लिए कैसे इशू करने हैं, और वो उसका मेन मकसद यही नज़र आया कि कोविड डेथ्स को इन्फ्लेट करना है उसका नंबर। मतलब अगर कोई अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ जो है कैंसर है या इश्मिक हार्ट डिजीज़ है, क्रोनिक डायबिटिक कंडीशन है या किडनी इम्पेयरमेंट है, चाहे इवन कैंसर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी है, तब भी अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ जो है कोविड-19 लिखना है। ये साफ साफ वहाँ लिखा हुआ है। वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। एंड इवन यहाँ तक कि अगर सिम्टम्स जो है पॉजिटिव हैं, पर अगर टेस्ट जो है नेगेटिव आ रहा है, टेस्ट के नेगेटिव होने पर भी सिम्टम्स हैं, तो भी एक नया कोड लेके आए UCOD 7.2, तब भी आप उसमें चढ़ा दीजिए कि कोविड डेथ हुआ है। एंड एवरीबडी नोज इट कि सब सिम्टम्स के आधार पर क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं बनता है। बहुत सी ऐसे डिजीज हैं जिसमें सिम्टम्स एक जैसे पाए जाते हैं। और बिहार में पिछले जो मौतें हुई थी, 4 मौतें, उसका जिक्र मैंने किया है। फिलहाल वहाँ मौतों का नंबर जो है 9 हो गया है। मैं दोबारा से उन पहली 4 को भी और नई जो 5 बाकी बची हैं, मतलब टोटल 9 डेथ्स को मैं दोबारा से पहली 4 भी कवर करूँगी जो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, और वो वीडियो का भी लिंक दे दूँगी जो पहली 4 मौतें का मैं दिखा चुकी हूँ। और आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ICMR गाइडलाइंस नई क्यों लाया है। जैसे कि उत्तराखंड में मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट ने लिख के दिया था कि कॉज ऑफ डेथ कोरोना नहीं है, लेकिन वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया है, लेकिन उसको भी कोविड में चढ़ा दिया गया। ऐसी खबरें विदेश से भी बहुत आ रही हैं, बहुत डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं। डॉक्टर स्कॉट जेंसन ने पहली बार विसल ब्लो की थी कि दे आर बींग पेड बाई मेडिकेयर टू डायग्नोज अ कोविड पेशेंट $5,000, $13,000 to put that patient on ventilator and $30,000 to certify a COVID death. And he said that my conscience does not allow me to pad the COVID death if my patient dies due to lung collapse. I can't do that. I would remind him that anytime healthcare intersects with dollars, it gets awkward. Right now, Medicare has determined that if you have a COVID-19 admission to the hospital, you'll get paid $13,000. If that COVID-19 patient goes on a ventilator, you get $39,000, three times as much. Nobody can tell me after 35 years in the world of medicine that sometimes those kinds of things impact on what we do. Some physicians really have a bent towards public health, and they will put down influenza or whatever because that's their preference. I try to stay very specific, very precise. If I know I've got pneumonia, that's what's going on the death certificate. I'm not going to add stuff just because it's convenient. I can't do it on my own convenience. So he was the first doctor to blow this whistle, and after that even Dr. Erickson have said ki why are we pressured to pad every death as COVID death, just to inflate the numbers, just to make the people feel that how worse the COVID is. It's interesting, when I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the numbers and make it look a little bit worse than it is? I think so. The doctors came up and have spoken the truth. Mm-hmm. और अब मैं literally आपको दिखा रही हूँ बिहार में जो 9 मौतें हुई हैं, आप उसको देखिए। ये देखिए बिहार में जो है मुंगेर का रहने वाला व्यक्ति 38 साल की उम्र बताई गई है, उसकी पहली मृत्यु जो है उसकी हुई है बिहार में, और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत की वजह किडनी फेल है। दोबारा देख लीजिए, नीचे अंडरलाइन है, मौत की वजह किडनी फेल बताई है डॉक्टरों ने, और ये कोविड में पहली डेथ चढ़ चुकी है। बिहार में जो दूसरी मौत हुई है वह 35 साल का युवक था, एवं वह उसमें कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी, पर यहाँ डॉक्टरों का कहना था कि वह बहुत पहले से ही ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था और एम्स में 2 दिन पहले ही भर्ती हुआ था, और इससे पहले इसका इलाज इसका राघवपुर, खुसरोपुर और पटना बाईपास के पॉपुलर हॉस्पिटल में एम्स में आने से पहले उसका इलाज हो चुका था, और उसका इलाज पहले कई जगहों पर करवा चुके थे, परंतु उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। कंकड़ हॉस्पिटल, कंकड़बाग में स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल में हालात बिगड़ने के कारण उसको एम्स में भर्ती कराया गया था,
और एज पर रेगुलेशंस कोरोना जांच हुई तो कोरोना पॉजिटिव आया। तो यहाँ आपने केस हिस्ट्री देखी, वो पहले से ही बीमार था, 3 जगह से इलाज होकर आया था, हालत बिगड़ी, एम्स पहुँचा, कोरोना पॉजिटिव आया। वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि आरटीपीसीआर सेल्स एक्सोसोम्स को टेस्ट करता है। बहुत से डॉक्टर्स, जिसमें से डॉक्टर एंड्रयू कॉफमैन का रिसर्च पेपर भी, उनका कहना है कि ये एक्सोसोम्स को टेस्ट करता है। किसी भी डिजीज सेल में एक्सोसोम जो होता है सेल अपने ही सेल का ऑर्गेनल होता है, और जब भी हमारी बॉडी का सेल डिसीज कंडीशन में होता है तो वो ऑर्गेनल्स रिलीज करता है एक्सोसोम्स नाम के, जो कि टेस्ट में पॉजिटिव आ जाते हैं। इस बंदे की तो ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी और ना ही कॉन्टैक्ट हिस्ट्री थी, तो आप खुद ही बताइए कि क्या माजरा है। सोचिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में होने वाली तीसरी मौत है। ये व्यक्ति चंपारण जिले का रहने वाला था, एवं यहाँ यह भी बताया गया है वो पिछले 1 साल से ही मुंह एवं गले के कैंसर रोग से पीड़ित था। तो पहली मौत आपने देखा किडनी फेल्योर से हुई, दूसरी मौत आपने देखा ब्रेन ट्यूमर से हुई, तीसरी मौत आपने देखा है ये कैंसर से। बिहार में ये चौथी मौत है। सुहेल नाम का मरीज है, जो कि यहाँ बताया गया है कि गले के कैंसर का मरीज था। डॉक्टर निर्मल कुमार ने बताया है कि वे गले के कैंसर का मरीज था। पहली मौत किडनी फेल्योर, दूसरी मौत ब्रेन ट्यूमर, तीसरी और चौथी मौत कैंसर के मरीज थे। तो बिहार में पांचवी मौत जो हुई है वह 70 साल के बुज़ुर्ग की हुई है, जो सासाराम जिले के निवासी थे, एवं यहाँ ये बताया गया है कि वह पहले से दमा एवं सांस की बीमारी से पीड़ित, और इसी वजह से उनका इलाज भी पहले सदर अस्पताल में चल रहा था। जब वहाँ स्थिति बिगड़ी तब उन्हें नारायण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेजा गया और उनमें कोरोना की पुष्टि हुई। तो यहाँ ये क्रोनिक एस्थमेटिक पेशेंट था, उस वजह से डेथ हुआ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ट डिजीज सेल जो है कोरोना पॉजिटिव निकल ही आता है आरटीपीसीआर टेस्ट। मान भी लीजिए, चलिए अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव भी है तो डेथ का कारण कोविड नहीं है यहाँ। तो यहाँ ये आदमी मरा था COPD एंड आस्थमा से, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और आस्थमा था इसको, तो इस वजह से इसकी डेथ हुई थी, ना कि COVID-19 से। अब आप कहेंगे आस्थमा से कौन मरता है, COPD से कौन मरता है, आपको सबूत भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि कोविड की वजह से ना डेथ एक्सेलरेट हो जाता है जिनमें पहले से डिजीज़ होता है। तो पहले क्या, जब कोविड नहीं था तो आस्थमाटिक पेशेंट और क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ वाले नहीं मरते थे। देखिए, इकोनॉमिक बर्डन ऑफ अस्थमा इन इंडिया। सो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ आर अमॉन्ग द लीडिंग कॉजेज ऑफ मॉर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी वर्ल्ड वाइड, विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड अस्थमा बींग द मोस्ट कॉमन। और देखिए, हर साल कितने केसेस आते हैं और कितने लोग मरते हैं इंडिया में, देखिए 2015 का स्टैटिस्टिक है, जिसमें कि 2015 में ये जो आंकड़े पहुँचे थे 358.2 मिलियन पहुँचे थे, और 0.40 मिलियन लोग जो हैं अस्थमा से उनका डेथ हुआ था। तो देख लिया हमने, पहली मौत किडनी फेलियर, दूसरी मौत ब्रेन ट्यूमर, तीसरी और चौथी मौत जो है ओरल कैंसर, और ये जो पांचवी मौत है ये COPD अस्थमा से हुई थी, कोविड निकलना इत्तेफाक था। अब देखिए, बिहार में जो छठी मौत हुई है वह भी 60 साल के बुजुर्ग थे, और वह भी सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, यानी कि उनको भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और अस्थमा था। अब कोविड के तो आपको लक्षण पता ही है कि वही सांस लेने में दिक्कत होती है वगैरह वगैरह, जरा एक बार अस्थमा के भी देख लीजिए सिम्टम्स क्या हैं। देख लीजिए, ब्रेथलेसनेस, इसमें भी वीजिंग हो रही है इसमें, डेट इज सीवियर और रैपिडली वर्जन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, स्ट्रेनिंग हार्ड इन ऑर्डर टू ब्रीथ, मतलब सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आप बताइए, कोविड के भी वही सिम्टम हैं, अस्थमा के भी वही सिम्टम्स हैं, लेकिन किसी हेल्दी पेशेंट में कोविड तो डेथ नहीं कॉज करता ना, अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ कोविड नहीं होता, लेकिन अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। तो यहाँ पे अस्थमा को दरकिनारे करके कोविड को क्यों किया, कोविड का नंबर बढ़ाने के लिए। देखिए, बिहार में जो सातवीं मौत हुई है वह 56 वर्षीय आशा देवी की मौत हुई है, और ये बताया जा रहा है कि वह जो है उसे जो है गॉल ब्लैडर कैंसर की भी शिकायत थी, उसे गॉल ब्लैडर का कैंसर था। और डॉक्टर संजय कुमार ने ट्वीट करके जो है इनका
केस हिस्ट्री भी डालिए, देखिए कुछ डॉक्टर्स लोग जो हैं उनके अंदर अभी कंसाइंस बाकी है, खुल के नहीं आ पाते सामने। मैंने इसमें बता रखा है कि इनकी डेथ कैसे हुई, सर्टिफिकेट इन्होंने या इसका हिस्ट्री दे रखा है। और देखिए कुछ डॉक्टर्स में कंसाइंस होता है तो वह बता देते हैं, पर घर में रोजी रोटी हर किसी को चलानी है इसलिए दबे शब्दों में हर कोई बता देता है। अब डॉट्स आपको कनेक्ट करके जानना है कि सच्चाई क्या है। ये सर्टिफिकेट्स देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी हिस्ट्री प्रीवियस क्या है, कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हेमोराइड विद एक्टिव ब्लीडिंग, सेप्सिस, एक्यूट रीनियल फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर। और ये भी देख लीजिए, इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। अब आप खुद ही बताइए, इसमें भी कोरोना जो है पॉजिटिव पाया गया। अब आप ये कहेंगे हाँ जी कोविड 19 हुआ तभी डेथ एक्सीलरेट हो गई। आपको पता है भारत में हर साल कितने लोग कैंसर से मरते हैं, ज़रा कैंसर का डाटा भी देख लीजिए। ये डाटा देख लीजिए कि हर साल भारत में 11 लाख के करीब केसेस रिकॉर्ड होते हैं कैंसर के, जिसमें से लगभग 8 लाख के करीब जो हैं मरते हैं। तो अब आप ये मुझे बताइए कि कैंसर ज़्यादा फेटल डिजीज़ है या कोविड। देखिए ये जो बिहार में 8वीं मौत हुई है, ये 56 इयर्स का एक व्यक्ति था, उसकी मौत हुई है। और ये भी मैंने डॉक्टर संजय कुमार के ट्वीट हैंडल से ही इसका सर्टिफिकेट निकाला है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, इसका 2 साल से जो डायबिटिक मेलिटस से ही पीड़ित है, लेकिन इसके जो कॉज ऑफ डेथ है इस डेथ सर्टिफिकेट में कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, लेकिन इसको भी कोविड में चढ़ा दिया गया क्योंकि ICMR की गाइडलाइंस हैं कि कोई भी कोमॉर्बिडिटी से डेथ क्यों ना हो बट उसको कॉज ऑफ डेथ जो है कोविड ही माना जाए। देखिए अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन करने के लिए ICMR बोलता है पेशेंट्स में प्रेजेंट विद अदर प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिड कंडीशंस सच एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एस्थमा, क्रोनिक ब्रंकाइटिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, कैंसर एंड डायबिटीज मेलाइटिस। दीज कंडीशंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड मे लीड टू कॉम्प्लिकेशंस एंड सीवियर डिजीज इन अ कोविड 19 पॉजिटिव इंडिविजुअल। दीज कंडीशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज UCOD यानी अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ एज दे हैव डायरेक्टली नॉट कॉज दैट ड्यू टू कोविड 19। ऑल्सो पेशेंट मे हैव मैनी कोमॉर्बिड कंडीशंस बट ओनली दोज दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू डेथ शुड बी रिकॉर्डेड इन पार्ट टू। मतलब कि ये कंडीशंस को हम नहीं कंसिडर करेंगे अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ, सिर्फ कोविड 19 को ही करेंगे और कोविड 19 को ही जो है रिकॉर्ड किया जाएगा एज कॉज ऑफ डेथ। अब ये जो 9th डेथ हुई है ये भी मैंने डॉक्टर संजय कुमार के ट्विटर से लिया है, इससे मेरा सर्टिफिकेट केस हिस्ट्री भी है। तो इसको ये फीमेल थी 75 इयर्स की, इसको एडवांस स्टेज का कैंसर। देख लीजिए इसको जो है केस ऑफ एडवांस ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट से इसका डेथ हुआ है। डेथ मैंने आपको बताया दो ही रीज़न होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट। अब आप ही बताइए क्या इन 9 मौतों में कारण डेथ का कोविड था या कोमॉर्बिडिटीज थी, COPD था, अस्थमा था, कैंसर था, विभिन्न प्रकार के कैंसर। चलिए देखिए पहला जो एग्जांपल है वो कोविड 19 से इन्फेक्टेड है और कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो डिजीज़ नहीं है। तो 14 दिन के बाद और 2 टेस्ट नेगेटिव जब इसके आ जाते हैं तो इसको रिकवर घोषित कर दिया जाता है, बिना ट्रीटमेंट के ये ठीक हो जाता है। दूसरा जो एग्जांपल है ये कैंसर के पेशेंट का है और अगर ये लास्ट स्टेज में हो और उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल तब नहीं होता, लाखों ट्रीटमेंट करा लो उसका आउटकम डेथ ही होता है, वो मर जाता है। अब तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ ये कैंसर का पेशेंट है और साथ में उसको कोविड भी है,
तो इसका भी डेथ हो जाता है। तो अब क्या कहिएगा कि ये डेथ जो है कोविड से हुआ कि कैंसर से हुआ? डेथ आप यहाँ तीनों डायग्राम देखिए, ये डेथ जो है कॉमन किस में है? कैंसर में। जो ब्लू है, ब्लू में रिकवरी है, कैंसर बिना ट्रीटमेंट के और फाइनल स्टेज के कभी अपने आप ठीक नहीं होता, उसका आउटकम डेथ ही होता है। शायद इस एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे कि अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ यहाँ कैंसर होना चाहिए कि कोविड होना चाहिए। अगर कोविड ना भी होता उसे तो भी डेथ ही होती, कोविड हो भी है भी तो भी डेथ ही हो रही है। तो इसलिए अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ कैंसर है, ना कि कोविड। कोविड यदि घातक होता तो हेल्दी को भी मारता। इसलिए कह रही हूँ, डरिए नहीं, साइंस फॉलो कीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार में हर को मॉर्बिडिटी को उन्होंने कोविड से जोड़ दिया है। तो यदि आप सब लोग आरटीआई लगाएं और मंगाएं आरटीआई कि जो भी लोगों की मौत हुई है उनकी हिस्ट्री, केस हिस्ट्री मंगाएं, उनका एड्रेस मंगाएं, सब कुछ जो भी है उनके, तो आप लोग खुद ही जांच लीजिएगा कि असलियत क्या है। देखिए कोविड 19 जो पैथोजन है, कोरोना वायरस का म्यूटेटेड फॉर्म, अगर उससे डेथ होता, वो अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ होता तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में भी होता। टीबी अगर आपको होगी तो बिना इलाज के ठीक नहीं होइएगा ना, कैंसर होगा तो बिना इलाज के ठीक नहीं होइएगा ना। कोई भी पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, सब में एक ही तरीके के सिम्टम्स कॉज करेगा। आई फ्लू होगा तो सब में एक ही तरीके का सिम्टम कॉज करेगा ना। ठीक है, नई पेंडेमिक थी, 21 दिन का लॉकडाउन काफ़ी था, डाटाज हैं, सब समझ में आ रहा है कि रिकवरी रेट क्या है, उसकी फैटलिटी रेट क्या है। अभी भी कुछ लोग सोचते हैं लॉकडाउन की वजह से जो है इतने लोग नहीं मरे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो केस आपके पास आज आ गए हैं उसमें से जो डेथ हो रही है, दैट इज़ केस फैटलिटी रेट, उस पर लॉकडाउन कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, लॉकडाउन स्प्रेड रोक सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये डिजीज इतनी फैटल होती तो जो मजदूरों में क्या सोशल डिस्टेंसिंग है। अभी शराब के ठेके खुले, आप देखिए क्या सोशल डिस्टेंसिंग थी, कितने लोग मरे, उसमें भी ये लोग अब लॉजिक लगा दे रहे हैं 21 दिन बाद पता चलेगा। प्लीज़ ट्रस्ट ऑन अस, ट्रस्ट ऑन अस। और गेट्स इस बार जो वैक्सीन्स लेके आ रहे हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये वैक्सीन जो है आरएनए जीनोम है। ये पहले की जगह जो कन्वेंशनल मेथड होता था जिसमें पैथोजन इंजेक्ट किया जाता था वीकेस्ट फॉर्म में या किल्ड पैथोजन, वो सिस्टम नहीं है। ही सेइंग हम आरएनए जेनेटिक कोड लेकर के आएंगे। और जो कंपनी मॉडर्ना कंपनी इसको बना रही है, तो म्यूटेशंस के लोग काफ़ी क्वेश्चंस उठ कर रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं हम हर बार जो है नया नया जेनेटिक कोड जनरेट करते रहेंगे अगर म्यूटेट होगा तो। आपको ये हमेशा लेनी पड़ेगी, उसके लिए एक चिप इंस्टॉल होगा जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, जिसको इम्यूनिटी पासपोर्ट वर्ड जो WHO ने यूज़ किया है। और WHO हर वक्त चाहता है हर्ड इम्यूनिटी डाउन, जैसे ये चाहते नहीं हैं कि लोग नेचुरली रिकवर्ड हों। तो बेसिकली जस्ट यूज़ योर माइंड, यूज़ योर ब्रेन्स, प्लीज़ एटलीस्ट लिसन टू अदर डॉक्टर्स, एपिडेमोलॉजिस्ट एंड अदर वायरोलॉजिस्ट। ये नहीं कि आप सिर्फ WHO को ही सुन रहे हैं, फौची को ही सुन रहे हैं, बिल गेट्स को ही सुन रहे हैं और मीडिया को ही सुन रहे हैं। और जगह से भी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बस बेसिकली मेरा यही कहने का मकसद है कि आप लोग प्लीज़ डर को दूर रखें।